नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पीडीएफ आया था कि आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस हो गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात नहीं करूंगी, मैं बायोलॉजी की बात करूंगी। मेन बात जो आ रही है निकल के वो ये है कि 3 चैप्टर आपके काट दिए गए हैं। एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का चैप्टर है, एक आपका डाइजेशन वाला चैप्टर है और एक आपका एनवायरमेंटल इश्यूज का चैप्टर है। मेंटल इश्यूज का चैप्टर है। तो बच्चे हड़कंप में घूम रहे हैं। नीट के एटलीस्ट 20-25-30 चैनल्स तो हैं यूट्यूब पे जो इस वक्त बहुत एक्टिव है और वो कॉन्टिन्यूसली इस चीज पे बार बार अपडेट डाल रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो बच्चों को सूचित करना इनका, इन चैनल्स का काम है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। वो आपको सूचित कर रहे हैं कि भाई ये आ गई है बात, इसका कट ऑफ पे ये फर्क पड़ सकता है, इसका आपकी प्रिपरेशन पे ये फर्क पड़ सकता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या आप अपना काम कर रहे हो एज स्टूडेंट्स? मान लो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अब मिल गई है कि ये चैप्टर्स, पहली बात तो ये अभी कंफर्म होने हैं क्योंकि साइट क्रैश हो गई है, तो ये चीज़ हमें कंफर्म करनी है कि भैया वो जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है वो सही भी है या नहीं। बट क्योंकि न्यूमरस टीचर्स ये कह रहे हैं सही है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली सही ही होनी चाहिए और ये आपके चैप्टर्स नहीं होंगे सिलेबस में। और कुछ छोटू मोटू टॉपिक्स हैं जो इधर उधर खिसका दिए गए हैं। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या आप अपना काम कर रहे हो? आपको नीट क्रैक करने के लिए एक दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी होती है। क्या आप अपना काम कर रहे हो? हर चैनल वाला बंदा अपना काम कर रहा है। उनको आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी है, उनको अपने चैनल की ग्रोथ भी करानी है, वो उनका काम है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? वो अपना काम कर रहे हैं। क्या आप अपना काम कर रहे हो? आज के आपके 200 क्वेश्चंस कम से कम जो प्रैक्टिस होने चाहिए थे नीट क्रैक करने के लिए, आपको 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एक साल में। अगर आप एक साल में नीट क्रैक करने की सोच रहे हो तो आज के 200 क्वेश्चंस क्या आप सॉल्व कर चुके हैं? अगर आपने ये नहीं किया, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो आप अपना काम नहीं कर रहे। फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई मेरी इस वजह से नहीं हो पाई है सिलेक्शन, या मैं यही चीज में अच्छा, मान लो आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्कूल एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मेरा गोल नहीं अचीव हो पाया है। आप सुबह से सिर्फ ये कर रहे हैं, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं कि इस चीज का आगे क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी बात कर लेते हैं। मान लो ये पीडीएफ सही है और ये 3 चैप्टर्स जो है अब नहीं आ रहे। अगर मेरा बच्चा नीट दे रहा होता, 2024 देता, मेरा खुद का बच्चा दे रहा होता, तो मैं उसे कहती करके जाओ। पहली बात तो मैं उसे कहती फ्रॉग भी करके जाओ, अर्थवॉर्म भी करके जाओ, ये क्या कहते हैं कॉकरोच भी करके जाओ, और ये 3 चैप्टर्स। कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें ये चैप्टर्स करने में यार? एक चैप्टर को बद से बद, अगर आप बायोलॉजी में बात करो, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री की ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ ना ही मैं ये बात कह सकती हूँ, ठीक है? मेरा वहां पे कोई ओपिनियन बनता ही नहीं है। बद से बद आपको 2 दिन का काम है। 2 दिन में ये नहीं कि आप उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे, तो भी आपको ये अपना एक सब्जेक्ट साथ में लेके भी दो दिन में आप चैप्टर खत्म कर सकते हो, जिसमें आप एक दिन में थ्योरी खत्म कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह। जैसे आपको फिजिक्स में चैप्टर का टॉपिक दर टॉपिक आप समझोगे, एक एक टॉपिक को एक एक दिन में समझोगे, तब आप वो चैप्टर 10-12 दिन में खत्म कर पाओगे। बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बायोलॉजी में आप एक साथ भी एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, एक एवरेज स्टूडेंट भी खत्म कर सकता है, अगर वो चैप्टर, अगर वो जो वीडियो है वो ढंग से बनाई गई हो तो। उसमें आपको उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, उस चैप्टर के आपको 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 2 दिन में आपका आराम से हो जाता है अगर आप बायोलॉजी को, मान लो आप 4-5 घंटे का स्लॉट दे रहे हो, ठीक है? दे भी सकते हो एक दिन आप बायोलॉजी को 4-5 घंटे का स्लॉट, क्या बड़ी बात है उसमें। नई एनसीईआरटी में मेरा ओपिनियन इस चीज पे ये है, पहली बात तो इसको क्लियर कर लेते हैं, जो चीजें नई एनसीईआरटी में दी हुई हैं, चाहे वो पीडीएफ में दी हुई हो या नहीं दी हुई हो, ये ओपिनियन उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि मैम हमें ये नहीं करना। ये तीनों ही चैप्टर्स एनसीईआरटी में नई वाली में नहीं दिए हुए आप छोड़ सकते हैं।
मोस्ट प्रोबेबली इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 99% ही चांसेस हैं कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो नई एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है और पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, वो नहीं आपने छोड़नी, आपने लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करना है। दूसरी बात, जिसके लिए मुझे कंसर्न है और मुझे डर लगता है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और जो बच्चा अपनी उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, अपनी सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, उसको मैं पर्सनली ये राय दूंगी कि ये चैप्टर्स करके जाओ, कुछ नहीं बिगड़ना हमारा, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, अगर कहीं पे आउट ऑफ सिलेबस के 2-3 क्वेश्चंस भी आ गए, सारा गेम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा अपनी मेहनत मैं तो नहीं छोड़ना चाहूंगी, अगर कोई बच्चा फुल अपनी पूरी मेहनत कर रहा है कि भैया ये 2-3 चैप्टर्स छोड़ के जाए, मैं तो कहती हूँ कि करके जाओ, कोई बात नहीं, नहीं आएगा कोई बात नहीं, उसकी ज्यादा सेटिस्फेक्शन है कि चलो नहीं आया, हम पढ़ के गए थे। अगर नहीं पढ़ के गए और एक भी क्वेश्चन आ गया, फिर हम फंस जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि ये सिचुएशन आए। तो भाई मैं अपने बच्चों से कहूंगी जो मेहनत करने के लिए थोड़ा सा रेडी है, थोड़ा एक्स्ट्रा पेन लेने के लिए रेडी है, कि कर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ना हमारा, अपने को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा पढ़ने का। दूसरा टॉपिक जो इस वीडियो में तुम लोगों से बात करना चाहती हूँ, ये बहुत चल रहा है अभी, हर कोई अपने चैनल पे डाल रहा है कि भैया कट ऑफ का अब क्या होगा। पहली बात तो कट ऑफ बेटा इस चीज से डिसाइड नहीं होती कि आपका सिलेबस का 3 चैप्टर घट गया है या नहीं घट गया है। कट ऑफ मोस्टली डिसाइड होती है कि पेपर का लेवल कितना डिफिकल्ट है और कितना बच्चा दे रहा है। बच्चा तो हर साल बढ़ ही रहा है, ठीक है, उसको तो आप छोड़ ही दो, पेपर का डिफिकल्टी लेवल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको मान के चलना होगा कि मुश्किल ही आएगा पेपर। अच्छा मुझे एक बात बता, मान लो मैं तुझे ये कह दूं कि इजी आएगा पेपर 2024 का, तो तुम क्या ऐसा छोड़ दोगे जो कि अगर डिफिकल्ट आता पेपर तब तुम करके जाते? क्या अगर मैं तुम्हें कहूं कि नीट 2024 का पेपर इजी आएगा, तो क्या तुम एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ना छोड़ दोगे? क्या तुम उनकी इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग छोड़ दोगे? क्या तुम उनके बेस्ड जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो छोड़ दोगे? या तुम उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ दोगे? या तुम उनके टेस्ट छोड़ दोगे? क्या ऐसा है कि जो एक इजी पेपर आने पे तुम छोड़ दोगे, और डिफिकल्ट पेपर अगर मैं तुम्हें आज कह दूं कि डिफिकल्ट पेपर आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो तुम कर लोगे? बायोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा एक ही लेवल की प्रिपरेशन करनी है, और वो है टॉप लेवल की। नीचे लेवल की आपको प्रिपरेशन नहीं करके जानी, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि इजी पेपर आ जाएगा, कि अगर मुश्किल आ जाएगा तो मैं यहां की करता, इजी आएगा तो यहां करता। ये नहीं चलेगा कंपटीशन में। आपको हर समय मोस्ट डिफिकल्ट पेपर के लिए तैयार रहना है। कोई भी रिलेशन नहीं है आपकी कट ऑफ का और ये चैप्टर्स के कम होने का या ज्यादा होने का, कोई रिलेशन नहीं है। चैप्टर इसका रिलेशन होएगा कि पेपर कितना डिफिकल्ट आएगा, वो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तुम मान के चलो बिल्कुल इजी भी आएगा, तो भी तुम्हें टॉप की तैयारी करनी है। एक भी चीज तुम ऐसी छोड़ नहीं सकते कि इजी पेपर आएगा। किसने तुम लोगों को ये बात सिखाई यार, कि अगर नीट का पेपर आसान आएगा या बायोलॉजी का पेपर आसान आएगा तो तुम ये चीज छोड़ सकते हो? कुछ भी नहीं छोड़ सकते, और बायोलॉजी अपने आप में आसान है। सब कुछ करके जाना है, सब कुछ करके जाना है, बढ़िया तरीके से, मुश्किल से मुश्किल पेपर की तैयारी करके जाओ। एक एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी की आपको लर्न होनी चाहिए। क्यों नहीं लर्न होगी? सब कुछ करके जाएंगे हम, ठीक है। ये अगर आप यहाँ की तैयारी करेंगे तो वो कोई तैयारी नहीं। तैयारी नीट की एक है और वो यहाँ की। और यहाँ की तैयारी क्या है, जो मैं कहती हूँ यहाँ की तैयारी क्या है, यहाँ की तैयारी है एनसीईआरटी को पूरी तरीके से खा जाओ, हजम कर जाओ, उसके बाहर का एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी, अगर थोड़ी मेहनत करके पेन लेना चाहते हो तो ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी कवर कर जाओ, पढ़ लो न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। जो टॉपिक्स दोनों में कॉमन है उसमें नई एनसीईआरटी से पढ़ लो, जो नई एनसीईआरटी में नहीं है वो ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ, इससे बाहर नहीं आएगा। न्यू एनसीईआरटी के तुमने नए टॉपिक्स पढ़ लिए, जो टॉपिक्स उसमें नहीं है ओल्ड वाली से पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में से कुछ भी मत छोड़ो, बस यही टॉप की तैयारी, उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी कोई टेस्ट सीरीज आपको फायदा नहीं देगी जो कि आपको एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन देगी। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे सकते हैं, वो चलेगा। कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस दे सकते हैं, वो चलेगा, ठीक है। ये भी मैंने बहुत सुना है कि सब अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि मुझे लगता है इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे। इन डेप्थ क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा? अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो इन डेप्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो क्वेश्चन है,
नॉर्मल क्वेश्चन है सारे के सारे, थोड़ा आसान क्वेश्चन होएगा, थोड़ा सा उसी को घुमा फिरा के पूछ, इन डेप्थ क्या है उसमें? कुछ भी इन डेप्थ नहीं है। जो एनसीईआरटी में लिखा अगर वो समझ में आया तो कोई इन डेप्थ नहीं है तुम्हारे लिए, सब कुछ नॉर्मल चीज है। एनसीईआरटी को समझने पे जोर लगाओ, एनसीईआरटी को रटने की बजाय समझने पे जोर लगाओ, उसके बाद जो रटने वाला पोर्शन है वो रट डालो, जो समझने वाला पोर्शन है वो समझ डालो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, ताकि क्वेश्चन पढ़ने की तेजी से स्पीड में पढ़ने की और एक्यूरेटली करने का प्रैक्टिस हो जाए। 200-200 क्वेश्चन लगा डालो एक दिन में, जिसमें से कम 100 बायोलॉजी के होने चाहिए। ये है तुम्हारी स्ट्रेटजी नीट क्रैक करने की, और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कोई क्वेश्चन इनडेप्थ नहीं लगेगा तुम्हें, कोई तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो आएगा एनसीईआरटी से। अगर तुम्हें एनसीईआरटी आती है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया है, तो तुम्हें आ जाएगा। इजी क्वेश्चन में बस ये होता है कि टाइम कम लगता है, कि चलो एक बार पढ़ा कर दिया, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो चलो थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया, और इससे कहां से, इससे ज्यादा डेप्थ कहां से लाएंगे? है तो एनसीईआरटी से ना, एनसीईआरटी से ज्यादा डेप्थ नहीं ला सकता कोई भी। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ ऐसा कि अब कुछ बहुत मुश्किल आ जाएगा, ये हो जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, फोकस ऑन लर्निंग इट, फोकस ऑन डाइजेस्टिंग इट, फोकस ऑन डूइंग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस इन अ टाइम बाउंड मैनर, दैट इज ऑल। फोकस ऑन योर शॉर्ट नोट्स, फोकस ऑन योर न्यूमोनिक्स, दैट इज ऑल। थोड़ी कम मेहनत करने वाले बच्चे न्यू एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ जाओ, ओल्ड टॉपिक्स छोड़ दो। थोड़ी ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे, और मेरा सजेशन यही है कि ज्यादा मेहनत करने वाले ही बनो, मत छोड़ो टॉपिक। कुछ कहीं से मिक्स एंड मैच होके कुछ कहीं से क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं चाहती तुम लोगों का गलत हो, कर लो, कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है, वन शॉट में कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी डायरेक्शन इस चीज से मिली है, डायरेक्शन को फॉलो करो। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या जहां से भी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं पे तुम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो, उसको मिला के 12-13-14 घंटे पढ़ना है। अपने फोकस को इम्प्रूव करो, ठीक है, अपनी मेहनत को इम्प्रूव करो। ये सारा टाइम इस चीज में लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो पैनिक वो वाली बात हो गई जो कि आजकल हमारे सोशल उस पे चल रहा है, जो हमारे न्यूज चैनल्स पे चल रहा है। कुछ भी छोटी सी बात को इतना बड़ा सा बना के everybody is like, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, and everybody is watching it. पैनिक न्यूज वाली बात हो गई है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं बेटा। अगर कोई पैनिक भी फैला रहा है तो वो अपना काम कर रहा है, उसमें उसकी गलती नहीं है। आपको अपना काम करना है, आपको फोकस्ड रहना है। बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और इसके अंदर जो कुछ है वो छोड़ना नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।